सन के लाइट से क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यह क्या हो गया बाबू, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। यानी ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब आइए मीडियम क्या होता है बाबू, अब आगे हेडलाइन डालिए मीडियम, ये मीडियम के बारे में पढ़ना। तो मीडियम के बारे में आप लोग तो जानते ही हो गया, क्या होता है मीडियम। ए मीडियम इज ए सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपागेट, जिसके थ्रू लाइट क्या करता होगा वो प्रोपागेट करता हो, क्या कहलाता है, इज नोन आर नोन एज मीडियम, आर नोन एज मीडियम, क्या कहलाता है, मीडियम कहलाता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, मीडियम में क्या होता है, एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सभी के सभी क्या हो गया, ग्लास हो गया, इटिस, ये सब मीडियम होते हैं। मीडियम होते कितने टाइप के हैं बाबू, तीन टाइप के होते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मीडियम। पहला होता है बाबू ट्रांसपेरेंट मीडियम, के बारे में पढ़े होंगे, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम में होता क्या है बाबू, द मीडियम विच अलाउ मोस्ट ऑफ द लाइट, विच अलाउ मोस्ट ऑफ द लाइट पास थ्रू इट, क्या होता है, पास करना चाहिए। पास्ड थ्रू इट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम, अब ट्रांसपेरेंट मीडियम में आता क्या है बाबू, इसका एग्जांपल क्या दोगे, एयर वाटर ग्लास, ये सब क्या होंगे, ट्रांसपेरेंट मीडियम ही आएंगे। एयर हो गया, वाटर हो गया, ग्लास, सब ट्रांसपेरेंट मीडियम का ही एग्जांपल है, उसको मीडियम भी कहते हैं। सेकंड है वो ट्रांसलूसेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम, द मीडियम विच अलाउ, क्या करता है, ऐसा मीडियम विच अलाउ ओनली ए पार्ट ऑफ लाइट, ओनली ए पार्ट ऑफ द लाइट, और नॉन एज ट्रांसलूसेंट मीडियम, क्या कहलाता है, ट्रांसलूसेंट। अब बताइए बाबू,
ट्रांसलूसेंट में क्या होता है कि पार्ट ऑफ द लाइट, एग्जाम्पल क्या दोगे, प्लास्टिक दोगे, प्लास्टिक दोगे, ए स्मॉल होल, ए पिन होल, होल इन ए डार्क रूम। अगर डार्क रूम में अगर पिन होल, अगर छोटा सा छिद्र होगा तो उसे क्या लाइट तो पास करेंगे, लेकिन एक पार्ट लाइट का एक पार्ट को पास करेगा, वो क्या कहलाएगा, ट्रांसलूसेंट कहलाएगा। थर्ड में देखो बाबू, ओपेक मीडियम होता है, कौन सा मीडियम होता है, ओपेक। ओपेक मीडियम क्या कहलाता है बाबू, द मीडियम विच डू नॉट अलाउ, द मीडियम विच डू नॉट अलाउ एनी लाइट, द मीडियम विच डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू इट आर नोन एज ओपेक मीडियम। क्या कहलाता है, ओपेक मीडियम कहलाता है। तो बहुत सारा ऐसा है जहां पे आप क्या कह सकते हो, लाइट पास नहीं करता है। आप क्या ले लीजिए बाबू, ए बाल ऑफ रूम, दीवार से लाइट पास करता है नहीं। स्टोन हो गया बाबू, ब्रिक हो गया बाबू, ये सभी से लाइट क्रॉस करता है नहीं। तो एक ऐसा मीडियम होता है, ओपेक मीडियम होता है। ये आपका क्या था बाबू, ऑब्जेक्ट के बारे में बतला दी, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसका टाइप, मीडियम क्या होता है, मीडियम का टाइप बता दिए। रे क्या होता है बाबू, रे लाइट में, रे के बारे में बहुत डिस्कस किया जाएगा मेनी टाइम्स। लाइट रे होता है क्या, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट इज ए स्ट्रेट लाइन पाथ। क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, ए लॉन्ग बीच, ए लॉन्ग बीच लाइट ट्रेवल, जिसके थ्रू लाइट क्या करता हो, ट्रेवल करता हो। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो, इसे एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है बाबू, किससे, एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। द डायरेक्शन ऑफ एरो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट, प्रोपागेशन ऑफ लाइट।
देखो जिस डायरेक्शन में एरो मूव करेगा यानी लाइट उसी डायरेक्शन में क्या करेंगे प्रोपागेट करेंगे। लिखे हुआ बीम ऑफ लाइट, आगे हटला दीजिए बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट क्या होता है, ए बंडल ऑफ लाइट, ए बंडल ऑफ लाइट आर नोन एज बीम ऑफ लाइट, आर नोन एज बीम ऑफ लाइट क्या कहलाता है, बंडल ऑफ लाइट। बंडल ऑफ लाइट का मतलब होता है बाबू यानी जिस पॉइंट के लॉन्ग, बहुत सारे लाइट क्रॉस आ रहे हैं, तो सभी के सॉरी सभी के सभी क्या कहलाएंगे बाबू, बंडल ऑफ लाइट कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे बंडल ऑफ लाइट कहलाएंगे, बहुत सारे लाइट आ रहे हैं पॉइंट पे। और बीम ऑफ लाइट कितने टाइप के होते हैं, देर आर थ्री टाइप के होते हैं, ये भी थ्री टाइप के होते हैं, नाम आप लोगों ने सुना होगा, कन्वर्जेंट देर आर थ्री टाइप्स, देर आर थ्री टाइप्स, पहला कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कौन सा कहा जाता है बाबू, रे ऑफ लाइट प्रोपागेट टू मीट एट ए पार्टिकुलर पॉइंट, पार्टिकुलर पॉइंट, अगर रे ऑफ लाइट एक पार्टिकुलर पॉइंट पर आके प्रोपागेट करते हैं क्या कहलाते हैं, वो आपका कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहलाते हैं, क्या करते हैं पार्टिकुलर पॉइंट पे आके, मान लो कि ये पॉइंट है, मान लीजिए कि ये क्या है पॉइंट है, और इस पॉइंट पे क्या करेंगे अगर रे ऑफ लाइट, मान लीजिए कि पॉइंट लिए बाबू और इसी पॉइंट के अलोंग अगर लाइट क्या कर रहा है प्रोपागेट कर रहा है, क्या कर रहा है बाबू प्रोपागेट कर रहा है, तो क्या कहलाएंगे, मान लो पॉइंट ए है, ये हम इसे हम कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं, एक पॉइंट के लॉन्ग आ रहा है, क्या रहा है एक पॉइंट के लॉन्ग आ रहा है, इसे क्या कहेंगे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहेंगे। सेकंड में होता है डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट प्रोपागेट, रे ऑफ लाइट प्रोपागेट क्या कहता है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट में होता क्या बाबू, देखिए कन्वर्जेंट पे क्या था एक पार्टिकुलर पॉइंट पे आके क्या कर रहा था ऑल रे ऑफ लाइट क्या हो रहा था, बीम ऑफ लाइट क्या हो रहा था एक पॉइंट पे आके मीट कर रहा था, इसमें क्या होता है बाबू ये रे ऑफ लाइट which comes out from a source, which comes out of a point source,
ऑफ ए पॉइंट, देखो ये पॉइंट सोर्स से बाहर क्या होते हैं, आउट होते हैं। जैसे देखिए ये लाइट बाहर जा रहे हैं, ये लाइट बाहर जा रहे हैं, ये लाइट बाहर जा रहे हैं, तो पॉइंट सोर्स से क्या हो जा रहे हैं, बाहर की ओर जा रहे हैं। तो ये रे ऑफ लाइट विच कम्स आउट ऑफ ए पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स से कहाँ जा रहे हैं, अगर बाहर की ओर जा रहे हैं तो क्या कहलाते हैं, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहलाते हैं। यानी डाइवर्ज कन्वर्ज मीट ऑल रे ऑफ लाइट मीट एट ओनली वन पॉइंट, डाइवर्जेंट ऑफ लाइट ऑल राइट ऑल लाइट रे ऑफ लाइट पास थ्रू कम्स आउट ऑफ ए पॉइंट ओनली कम्स आउट ओनली वन पॉइंट। थर्ड में आता है बाबू पैरेलल बीम ऑफ लाइट, क्या होता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट में क्या होता है, ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट विच पैरेलल, रे ऑफ लाइट विच कम्स टू विच कम्स टू द पैरेलल of another which comes to parallel another ray of light, another which comes to the parallel another ray of all ray of light, लिख दो all ray of light parallel to the another ray of light, जितने भी light हैं, जितने भी light हैं सभी क्या होंगे एक दूसरे के parallel हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे parallel हो जाएंगे, क्या कहलाएंगे बाबू parallel beam of light कहलाएंगे। अब आप लोग को बताया था बाबू reflection of light, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ, सेवन फिनोमेना लाइट का पढ़ाया था, उसमें एक पॉइंट आता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक फिनोमेना जो होती है वो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है। मिली तो हम लोग को दो ही टॉपिक पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन, और अभी जो हमने टॉपिक डिस्कस करेंगे, अभी तो हम लाइट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं बेसिक फिनोमेना के बारे में, और आगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टडी करेंगे इसी टॉपिक में। अभी हम एक पॉइंट खाली एक फिनोमेना के बारे में डिस्कस करते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बाबू, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, द बेंडिंग ऑफ द लाइट, द बेंडिंग ऑफ द लाइट, लाइट क्या करता है बेंड करता है अबाउट द कॉर्नर, या तो कॉर्नर या एंड ऑफ द एज या एंड ऑफ द एपर्चर, एंड ऑफ द एपर्चर, एपर्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। एंड्स ऑफ द एपर्चर इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ, ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि आपका कोई स्ले है, प्लेट है, स्लैब है, और हम क्या बोले, या तो एंड या एपर्चर, एंड या एपर्चर से क्या करता हो, अगर किसी का एंड से लाइट आने के बाद, मान लीजिए कि इस एंड पे आने के बाद लाइट क्या कर जाए बेंड कर जाए, क्या कर गया बेंड कर गया इस एंड पर, या लाइट आया
इस एंड पे और आके क्या कर गया आपका इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर गया। तो डिफ्रैक्शन ऑन एंड कॉर्नर या एंड ऑफ द एपर्चर, इस लाइन को क्या कहा गया है एपर्चर, यानी एंड से क्या हो गया इसके एंड एपर्चर के एंड से क्या कर जाए बेंड कर जाए लाइट मुड़ जाए, क्या कहलाते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ।